पाकिस्तान एक अमेजिंग मुल्क है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसमें क्या शक है मैम, मगर आपने ये अंदाजा कैसे लगाया? अंदाजा लगाना क्या मुश्किल है, जितनी मर्तबा और जितना ज्यादा इस मुल्क को पिछले 63 बरसों में लूटा गया है, इतना ज्यादा अगर अमेरिका को लूटा जाता तो दिवालिया निकल जाता है सुपर पावर अमेरिका का। लेकिन तीसरी दुनिया का ये मुल्क पाकिस्तान अभी तक कायम और दायम है, सुभान अल्लाह। एब्सोल्युटली अमेजिंग, अमेजिंग ना मैम। आपको पाकिस्तान में सबसे अमेजिंग बात क्या लगी? जब मैंने पाकिस्तान में लैंड किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बिजली नहीं आती। पानी मांगा तो वो नहीं था। सांस लिया तो पता चला कि हवा में पोल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन ही नहीं है। हर तरफ गड्ढे पड़े हुए थे, न पानी, न बिजली, न हवा में ऑक्सीजन। पहले तो मैंने समझा कि मैं चांद पर आ गई हूँ, मगर जब कुछ लोग मिले तो पता चला ये चांद नहीं बल्कि ये पाकिस्तान है। मैम वैसे आपसे पहले ये धोखा किसी और को भी हो चुका है। रियली? वो किसको? एक शायर को, जिसने गीत लिखा था कि चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। मैम हमने आपको मजीद हैरान करने के लिए हर हफ्ते एक नए पाकिस्तानी रिकॉर्ड ब्रेकर से आपकी मुलाकात कराने का एहतमाम किया है। तो आज के मेहमान ने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है? आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करा रहे हैं जिसने अखलाकियात का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जी मिस दुनिया, आज के रिकॉर्ड होल्डर ने अखलाकी और सियासी जुरत का मुजाहरा किया है। कौन है वो जुरतमंद जो धज्जियां उड़ाता और रैकेट बनाता है? नाजरीन लेकर चलते हैं आपको मिस दुनिया के घर और देखते हैं कि उन्हें किस रिकॉर्ड ब्रेकर शख्सियत के साथ मिलवाया जा रहा है। मैम ये है हमारे आज के रिकॉर्ड ब्रेकर मेहमान जनाब जमशेद जबरदस्ती साहब। हेलो हुसन, बैठ जाओ। अगर ये बैठ सकते हैं तुम्हारा तो ज्यादा हक बनता है, प्लीज सिट डाउन। अच्छा जी, जल्दी जल्दी इसे मेरा इंटरव्यू कर लें, मेरा रिकॉर्ड किसी वक्त भी टूट सकता है। हमारी पार्टी नए नए रिकॉर्ड कायम करने का 5 साल मंसूबा लेकर आई है जी। आपसे मिलकर बहुत दुख हुआ। आप वही है ना जिन्होंने अपनी डिग्री के जाली होने का एतराफ करते हुए असेंबली से इस्तीफा दिया था? ओ नहीं जी, वो तो उल्टे सीधे सवालात पूछे गए थे मुझसे सुप्रीम कोर्ट में। कैसे सवालात? मजहबी सवालात। देखिए ना जी, मजहब तो हर शख्स का जाती मामला होता है, इसका हिसाब जज ने तो नहीं ना लेना। वेरी राइट। जमशेद साहब, सुना है कि आपकी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए वजीर आजम साहब खुद आए थे। वो मेरी इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं जी, अपनी हुकूमत चलाने के लिए आए थे। और अगर मेरे जैसे जालसाजों को हुकूमती पार्टी और असेंबलियों से डिग्रियों के फ्रॉड के चक्कर में निकाल दिए जाए ना जी, तो उनकी हुकूमत का पट्टा बैठ जाए। सुना है आपको वोट डलवाने के लिए आपके हलके के लिए 125 अरब रुपए से सुई गैस के मंसूबे का ऐलान किया गया है और सरकारी मुलाजमीन को बोनस देने का ऐलान किया गया है, 4 रोया सड़क बनाने का ऐलान किया गया है, कॉलेज बनाने का ऐलान किया गया है और सहाफियों और वकीलों के लिए कॉलोनियां बनाने का ऐलान किया गया है। वाओ, बहुत बड़ी रिश्वत दी गई है वोटरों को। ओ, कोई नहीं मिस साहब, आप गम ना करें, ये सारे वादे जो है ना जी मेरी डिग्री की तरह है, बिल्कुल जाली, और ये जो रिश्वत है ना जी ये जमहूरियत की तरह है, नकली। आप दोबारा मुंतखब हो गए हैं। ये भी रिकॉर्ड है इस मुल्क का जिसके वोटर्स ने इन्हें दोबारा मुंतखब किया। तो आप दोबारा मुंतखब हो गए हैं, ये बताइए कि आपके पास पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के लिए कोई प्लान है? है ना जी, पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं ना जी, अब इसको मुश्किलात से निकालने का वाहिद हल जो है ना जी वो है जालसाजी, और बड़े साहब भी इस बात के कायल हैं। मैं समझी नहीं। जालसाजी जी, तड़ातड़ नकली नोट छापे, जाली डॉलर, जाली पाउंड, सारा कर्जा उतार दें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जमशेद जबरदस्ती साहब, जालसाजी से मसले हल नहीं होते, नकली नोटों से कर्जे नहीं उतरते और जाली दस्तावेजात से किस्मत नहीं बदलती। ये आपसे किसने कह दिया मिस साहबा, यहाँ पर तो किस्मत बदलती ही जालसाजी से है।
वो कैसे? आप क्या कह रहे हैं? जाली डिग्री से और वसीयत से।